ऊपर जो है वो सारे मग्स एंड छोटे बोल्स, ये ऐसे पॉड्स मिलते हैं यहाँ पे, ये देखो। तो ये अब मैं बीच में ही आपको खोल के दिखा रही हूँ कि अंदर कैसे होता है प्रेशर और स्टीम देखना। तो ये देखिए, एक साइड हो गया, अभी दूसरी साइड सेक रही हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं इट्स सुप्रियाज लाइफ। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को मेरे घर का डिश वॉशर। जैसे आप देख सकते हैं पीछे कि इतने सारे बर्तन यहाँ पे जमा है डिश वॉशर में जाने के लिए। तो हमारे घर में ये बर्तन हम कैसे धोते हैं, कैसे डिश वॉशर में लोड करते हैं, मतलब कितना साफ करके डालना होता है, ये सब मैं डिटेल में दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये हमारा डिश वॉशर है, इस पे ऐसे कंट्रोल बटन्स होते हैं, यहाँ हम लोग साइकिल सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइट वॉश करना है, नॉर्मल, हैवी, ऑटो, सेंस करना है। फिर आवर्स, डिले आवर्स लगा सकते हैं। डिले आवर्स मतलब अगर आपको मशीन रात के 12 बजे चालू करनी है तो आप यहाँ पे ना टाइम सेट करके रख सकते हो, जैसे डिले 1 घंटा, डिले 2 घंटा, डिले तो लिखा है 2 आवर्स, 1 आवर, ऐसे डिले करके रख सकते हैं। स्टीम चालू करनी है, स्टीम चालू कर सकते हैं। टेम्परेचर, वॉश का टेम्परेचर भी सेट होता है यहाँ पे, कितना पानी का टेम्परेचर होना चाहिए वो भी सेट हो सकता है। प्लस अगर हीट ड्राई करना है, बर्तन अपने आप ड्राई होके निकलेंगे अगर हीटेड ड्राई ऑन रखा तो। फिर ये वॉश जोन्स है, लोअर एंड अपर दोनों, जैसे कि यहाँ पे ये 2 लेयर्स है, 1 और ये 2, दोनों इसमें बर्तन हो तो दोनों वॉश कर सकते हो। एक ही इसमें अगर लगाया है तो एक ही वॉश कर सकते हो, सिर्फ ऊपर का फैन चलेगा। यहाँ पे ऐसे ये फैंस है, इसमें से पानी निकल के ऐसे पानी घूमता है और बर्तन साफ होते हैं। प्रेशराइज्ड वाटर होता है उससे बर्तन साफ होते हैं। ये ऊपर भी एक फैन है, बीच में एक फैन है और नीचे भी एक फैन है ऐसे। और ये नीचे ये कॉइल जो है ये हीटर है, हीटर से हीट होके बर्तन अपने आप ड्राई हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं इसका पॉड होता है, बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है ना, ऐसे वो पॉड्स मिलते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं या फिर पॉड। पॉड इजी रहता है, एक डाल दो हो गया खत्म, फिर ऐसे ये बंद कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डिटर्जेंट। हाँ, तो बर्तन कैसे धोते हैं ये मैंने ऑलरेडी थोड़े से यहाँ पे वॉश करके रखे हुए हैं। ऐसे ही ये ऐसे ही उठाया और ऐसे ही रख दिया, ये ऐसे नहीं, मतलब चलता नहीं है ये सब, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दो साफ तो हो जाएंगे, बट ये जो लगा हुआ होता है ना सब खाना, तो ये उड़ के दूसरे प्लेट्स पे लग सकता है और फिर वो उसी पे, वो फिर जब ड्राई करता है तो उसी पे वो ड्राई हो जाता है, तो वो साफ करना और मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसे पूरा प्रॉपरली ऐसे जब निकाल के रखना होता है फिर इस पे हम लोग लोड करते हैं। जैसे कि ये मैंने साफ करके रखे हुए हैं खाने के प्लेट्स ऑलरेडी, मतलब साफ मतलब मैंने धो के नहीं रखे है साबुन से, मैंने सिर्फ इसके ऊपर जो खाना लगा हुआ था वो सब निकाल दिया है। अब इसे ऐसे एक के बाद एक अच्छे से लाइन करना होता है। पहले ये सब बर्तन मैं वॉश करके यहाँ पे साइड में रख लेती हूँ, फिर लोड कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पानी पूरा जम गया है, क्योंकि थोड़े थोड़े जो पार्टिकल होते हैं खाने के वो सब अटक जाते हैं नीचे। तो नीचे ना एक ग्राइंडर है, अगर एक यहाँ पे नीचे बटन है, वो बटन मैं चालू करती हूँ तो वो ग्राइंड हो जाता है और वो पूरा अंदर ड्रेन हो जाता है पानी। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि वो नीचे ब्लॉक हो जाता है, वो डायरेक्ट मतलब नीचे से पानी जाता नहीं है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स के साथ अगर पानी नीचे गया तो वो पूरा नीचे का जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए वो नीचे उन्होंने ग्राइंडर रखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ कैसे, तो नीचे जो भी अटका हुआ है वो ग्राइंड हो जाएगा और वो ड्रेन हो जाएगा पानी। ये देखिए, तो ये देखिए ये सारा ग्राइंड हो गया और पानी पूरा नीचे चला गया। तो ये सारे मैंने क्लीन करके रख लिए हैं, अब इसमें मैं लोड कर रही हूँ एक एक करके। तो ऊपर जो है वो सारे मग्स एंड छोटे बोल्स ये सब होता है, ये एक एक करके ऐसे प्रॉपरली लाइन करना होता है, मतलब ये
ऐसे नहीं रख सकती मैं, अगर मैं ऐसा सीधा रखूंगी तो ये जो पानी प्रेशर से आता है वो इसमें जाके बैठेगा और ये पूरा पडल बन जाएगा, मतलब इसमें पूरा पानी रह जाएगा, ये ड्राई नहीं होगा। तो इसे ऐसे उल्टा रखना होता है कि अंदर पानी जाए और पूरे बर्तन साफ हो। तो इसे ये एक के बाद एक प्रॉपरली लाइन करना होता है कि नीचे से पानी जा सके। तो जो स्पून्स होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं साइड में। तो डिशवॉशर में ना हम लोग सारे बर्तन ही डाल सकते, सिर्फ इसमें स्टील के, कांच के या सिरेमिक के या प्लास्टिक के, जैसे जो डिशवॉशर सेफ है सिर्फ वही बर्तन इसमें हम लोग डाल सकते हैं। ये जो कुकर है, जैसे कि ये हार्ड एनोडाइज्ड वाले या फिर एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई होती है, वो सब हम डिशवॉशर में नहीं रख सकते। कोई को लोग रख देते हैं बट वो कुकर खराब हो जाता है, बाहर का ये पूरा कोटिंग निकल जाएगा, अंदर का सब व्हाइट व्हाइट हो जाता है। तो ये सब हम नहीं करते। हमने किया हुआ है, एक बार रखा था कुकर, एल्यूमिनियम का ये भी रखा था हमने बर्तन, तो वो पूरा खराब हो गया था, पूरा व्हाइट व्हाइट निकलने लग गया था उसका। तो ये सब हाथ से धोने होते हैं। और ये चाय का जैसा बर्तन है, ये सब निकालना होता है। ये तो मैं हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। जैसे कि ये देखो, ये सब निकाल के मैंने डाला तो ये नीचे पूरा कड़क हुआ रहता है ये चाय का। तो इसे मैं ये वाले ब्रश से हाथ से ही धो देती हूँ, इसको हम डिशवॉशर में नहीं रख सकते। तो ये सारे बर्तन मैंने यहाँ पे अभी लोड कर लिए, धोने वाले में बाद में धो लूंगी, हाथ से धोने वाले। ये ऐसे बंद करना होता है, और ये ऐसे पॉड्स मिलते हैं यहाँ पे, ये देखो ऐसे पॉड्स होते हैं। अब ये एक पॉड इसमें से हम निकालेंगे और यहाँ पे डालेंगे और इसे बंद करना है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल वाला साइकिल मैंने सेट किया है, जो डिले मुझे नहीं करना है, मैं तुरंत चालू करने वाली हूँ। तो डिले से बंद कर देती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 घंटे तक डिले लगा सकते हैं, उसके बाद बंद हो गया। स्टीम मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ हीटेड ड्रायर मैंने ऑन रखा है और वॉश जोन्स लोअर एंड अपर दोनों। तो ये 123G जो है, ये 123 मिनट्स लगेंगे ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में, डिश पूरे धो के ड्राई होके आने में 123 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, तो ये ऐसे लगा के बस स्टार्ट दबाना है और मशीन चालू हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला क्या है, क्लीन और डर्टी, मतलब अगर बर्तन अंदर डर्टी है तो ये वाला हम लोग ऑन रखते हैं, अंदर क्लीन है तो ये वाला ऑन रखते हैं, मतलब सबको पता चले कि अंदर डर्टी डिशेस है या क्लीन डिशेस है। तो ये मशीन तो चालू हो गई, अब ये अंदर पानी कैसे प्रेशर से आता है और कितनी स्टीम होती है, मैं आपको बीच में ये डोर ओपन करके हम लोग खोल सकते हैं, बीच में अगर कोई बर्तन बीच में चाहिए तो खोल के हम लोग ले लेते हैं, वो पॉज हो जाता है और फिर से इसको हम लोग रिज्यूम कर सकते हैं। तो बीच में आपको मैं खोल के दिखाऊंगी कि कितने प्रेशर से पानी होता है और कितना स्टीम, मतलब कितना गर्म होता है। तब ये जो हाथ से धोने वाले बर्तन है, ये वाले मैं धो लेती हूँ। तो ये हो गया है नाइस एंड क्लीन, यहाँ पे धो के मैंने रख दिया है। तो ये अब मैं बीच में ही आपको खोल के दिखा रही हूँ कि अंदर कैसे होता है प्रेशर और स्टीम, देखना कैसा होता है। तो ये देखिए, ऐसे इन होल्स में से पानी आता है और स्टीम भी आप देख सकते हो, गर्म पानी आता है गर्म। और ये देखो, ये यहाँ पे ये खुल गया है, पॉड खुल गया, पॉड का ये जो सेक्शन है ये खुल गया है और साबुन से अब धुल रहे हैं सारे बर्तन। तो ये ऐसे ही पानी के प्रेशर से और साबुन का पानी मार के ये सारे बर्तन धुलेंगे, उसके बाद वो क्लीन वाटर से धुलते हैं और फिर बाद में हीटर चालू होता है और सारे बर्तन ड्राई हो जाते हैं। तो ये मैंने लगा दिया फिर से और स्टार्ट दबाऊंगी तो फिर से चालू रिज्यूम हो जाएगा। और ये इनको अभी नींद आ रही है, तो इसको मैं जाके अभी सुलाती हूँ, बर्तन धुल जाएंगे अपने आप। बस लगाने का थोड़ा सा होता है, सब क्लीन विन करके लगाना होता है वही, फिर बाद में वो अपने आप धुल जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। और ये बस इतना ही होता है कि ये जो बर्तन जो धो नहीं सकते वो धोने पड़ते हैं हाथ से। तो चलो इनको मैं आप सुला के आती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो जब तक बर्तन धुल रहे हैं डिशवॉशर में, तब तक मैं फटाफट सा एक टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, तो वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये रही आराध्या जो कि मुझे हेल्प करने वाली है। हाय। तो ये छोटे चॉपर में मैंने प्याज, दो टाइप के बेल पेपर डाले हैं, रेड एंड ऑरेंज, और एक ग्रीन चिली डाली है क्योंकि आराध्या भी खाने वाली है तो ज्यादा तीखा नहीं चाहिए। और इसे अब मैं चॉप कर लूंगी। एंड कांदा, कांदा साइन ले प्याज। तो यहाँ पे लिया है मैंने बेसन, अब इसमें मैं डालूंगी बेसिक से अपने मसाले,
हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली क्योंकि आराध्या खाने वाली है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा चाट मसाला, ये ओरिगैनो लीव्स, सॉल्ट, ये चॉप्ड वेजीज, थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर। तो अब इसे करेंगे मिक्स अच्छे से पानी डाल के। हाँ तो ये अपना बैटर रेडी है। मैं ये ब्रेड डिप करके ऐसे दोनों साइड से मैं तवे पे इसे सेक लूंगी। तो ऐसे दोनों तरफ डिप किया मैंने, अब इसे ऐसे रख के सेक लेंगे। एक साइड हो गया, अभी दूसरी साइड सेक रही हूँ। बटर में आवाज आता है? आई नो ऑलरेडी खा ली। आई कांट वेट टू टेस्ट इट। डाल तो मम्मा। यस शना, डाल रेडी। हे दीस टू आर रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू कट इट। दिस इज फॉर आराध्या। एंड ये रेडी है आराध्या के लिए ब्रेकफास्ट। Here you go with your favorite sauce. तो हमारा नाश्ता हो गया, तब तक ये मशीन भी रेडी है होके। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये येलो मतलब रेडी है और यहाँ पे लिख के भी आता है क्लीन करके। तो ये देखो कितने साफ है, और ये ना बहुत हॉट मतलब गर्म होता है, तो ये चटका लग रहा है अभी हाथ में। तो ये देखो पूरा क्लीन, पानी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सारे बर्तन एकदम चकाचक क्लीन होके आए हैं। तो इसमें ना ये स्टील के बर्तन बहुत अच्छे निकलते हैं, एकदम ना ऐसे फेस दिखने लग जाएगा अपना, तो स्टील बहुत अच्छे से निकलता है। और मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे अगर रखो तो पडल हो जाता है इसके अंदर। देखो जैसे ये अब खड्डा है, इसको मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसे ही रखना होता है मुझे। तो इसके अंदर ना ऐसे पानी जमा हो जाता है, जो कि साफ ही होता है, साबुन वाला पानी तो नहीं है। तो मैं ऐसे ऐसे बस फेंक दो, बहुत गर्म था पानी। और ये देखो पूरा क्लीन एंड ड्राई, कुछ नहीं है अंदर, कंप्लीट क्लीन। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारा यहाँ पे डिश वॉशर कैसा होता है, बर्तन हम लोग कैसे धोते हैं, और प्लस एक छोटी सी रेसिपी ब्रेकफास्ट की भी दिखाई। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं और आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ दिखाऊँ घर के अंदर जो भी चीजें हैं, तो ओहो एक हाँ, तो आर्यश थोड़ा सा, आर्यश भी उठ गया, सो के सब काम हो गए। तो वही, तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बता देना कि आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हो, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं ऐसे वीडियोस और लाते रहूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।